नमस्कार, आप देख रहे हैं शुरू कर दिए शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने साफ कहा कि नीतीश सरकार महिलाओं की सम्मान करती है, नीतीश सरकार महिलाओं का अपमान नहीं करती है। आज 2005 के बाद का जो बिहार है, महिलाओं को सम्मानित किया गया है, महिलाएं आगे बढ़ी है, महिलाएं को आरक्षण मिला है और आज सशक्त स्थिति में पहुंच चुकी है बिहार की महिलाएं, ऐसा कहना है जमा खान का। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं तो आरोप कोई भी लगा सकता है, मनगढ़ंत ये आरोप है, पर लेकिन बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कितना काम किए हैं और किस तरह से महिलाएं आज सशक्त और अपने दम पे कार्य कर रही है, हर क्षेत्रों पे महिलाएं आगे बढ़ी है, ऐसा कहना है जमा खान का। जाहिर सी बात है हंगामेदार सदन चल रहा है, हंगामेदार सदन के साथ सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसा नहीं दुर्व्यवहार देखिए, आप जानते हैं नीतीश कुमार जी बिहार के हर लोगों को सम्मान करते हैं, बिहार के हर समाज का सम्मान करते हैं, पूरे बिहार के तमाम जनमानस का सम्मान करते हैं, सबके लिए किया है। आप जानते हैं कि अगर बिहार के अंदर कोई काम किया है हमारे बहनों के लिए, हमारे माताओं के लिए, वो नीतीश कुमार काम किया है, विकास भी किया है, काम भी किया है, उनको जो है सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार अगर बिहार में कोई दिया है, नीतीश कुमार ने दिया है। आप खुद जानते हैं, मीडिया के साथ ही हैं, बिहार में जो काम दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार का देन है, वो लोग क्या बात करेगा। उन लोगों को तो हमेशा साजिश रहता है कि हल्ला करना है, विपक्ष हल्ला करता है, बिहार का विकास न हो, बिहार का विकास अवरुद्ध हो, ये लोग बराबर चाहते हैं। लेकिन आरजेडी की जो महिला विधायक है वो तो कह रही हैं कि अब तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक महिलाओं के सम्मान की बात है। जो बोलना है बोले, अब हम उधर नहीं, उनका हम नहीं बोलना चाहते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति उस नेता की बात आप कर रहे हैं, जो नेता ने महिलाओं को सम्मान दिया, जो नेता ने सम्मान दिया और महिलाओं के लिए काम किया, वो तो समझाते हैं जो गार्जियन है। बाकी आज जो महिलाओं को मिला है, मेरे बहनों को मिला है, नीतीश कुमार जी का देन है, किसी और का देन नहीं है। अब बोले, अपने मुंह से कुछ भी बोलना है बोले, लेकिन आप ही बताएं, मीडिया के साथ ही आपसे कुछ छिपा हुआ है। बिहार में जो अधिकार हमारे बहनों को मिला है कौन दिया है? वो नीतीश कुमार ने दिया है। आप खुद जानते हैं मीडिया के साथ ये छिपा क्या है। बिहार में किसी क्षेत्र में जाइएगा, अगर छोटी लकीर बड़ी लकीर विकास की है, वो नीतीश कुमार ने दिया है। जो आज सम्मान देश के मानचित्र में अगर बिहार का आया है, वो नीतीश कुमार जी का देन है, 2005 के बाद आया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि बहनों का सम्मान और कोई करता है, नीतीश कुमार जी ने काम दिया, अधिकार दिया, सम्मान दिया। नीट पेपर लीक मामले में एक कानून भी आ जाना, मुख्यमंत्री इसको लाना चाहते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, वो तो नीतीश कुमार जी तो हमेशा फैसला वही करते हैं जो बिहार के फायदे में हो, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के बहनों के लिए फायदा। कि उज्ज्वल भविष्य के लिए एक प्रयास है UC MASS। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबाकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। आवर फर्स्ट ब्रांच इज किड्स टेम्पल स्कूल कचौड़ी गली पटना सिटी एंड सेकंड ब्रांच इज मनोरंजन पंचायत भवन चरीटाल पश्चिम दरवाजा पटना सिटी एंड आवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 7903433032। अटूट विश्वास शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक पटना।